जमीन के भी रहने वाले मोहब्बत के, तो आपस में काम हुए में है एक बंदा एक का और ईमान का, राइट। चाहे उनका कल्चर कुछ भी हो, उनकी जबान कुछ भी हो, जाहिर मुख्तलिफ एरियाज के लोग, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ फ्रेंड्स हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस होते होंगे, लेकिन मुसलमान आपस में बाउंड है। फैक्टर इसकी मैट्रिक अगर देखा जाए, परसेंटेज सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस की है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पाए जाते हैं, तकरीबन 33% है उनकी टोटल पॉपुलेशन में, और उसके बाद में मुस्लिम सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट सेकंड रिलीजन जो है वो मुसलमानों का है। मुस्लिम कंट्रीज जो है वो स्ट्रेच है ईस्ट टू वेस्ट 1000 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 6000 किलोमीटर। फिजिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन लेबनन, आपने ये पढ़ा भी होगा कि तकरीबन मुसलमान कंट्रीज जो है वहाँ बड़े बड़े सेना पाए जाते हैं, दुनिया के बड़े सेना पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका में जहाँ ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा पाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में थल, सऊदी अरब में अल-हमीद, ईरान में गश्त जुनूब, उसके अलावा सर्बिया, मुख्तलिफ जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ पर भी डिजर्ट पाए जाते हैं। इसलिए मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इक्वेटर के करीब भी है, इसलिए यहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट है, वो भी थोड़ा सा गर्म है, बल्कि ज्यादा गर्म है। और यहाँ की जो वेजिटेशन है यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज के, वो सबसे ज्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया में है, क्योंकि वो दोनों मानसून के रेंज में आते हैं, और सबसे ज्यादा जो नेचुरल वेजिटेशन थी, वेजिटेशन जो है वो इन्हीं दो कंट्रीज में है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ बलूचिस्तान में जो डिजर्ट है यहाँ पर, और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक में भी ज्यादातर डिजर्ट में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो डिजर्ट में जहाँ पैदावार बहुत ज्यादा कम हो, जहाँ पानी बहुत ज्यादा कम हो, वहाँ वो सर्वाइव करते हैं, जैसे कि गोट्स और शीप। आप लोगों ने ऐसा बलूचिस्तान में इनके हर्ट्स होते हैं जो कि नॉमेडिक पीपल या सेमी नॉमेडिक पीपल जो होते हैं वो अपने साथ लेकर घूमते हैं प्लांट्स की तलाश में या ऐसे गुलाब की तलाश में जो जानवर सर्वाइव कर जाए वहां पर। इसके अलावा जो ज्यादातर कंट्रीज में ट्रॉपिकल फ्रूट्स वहाँ पर उनकी ग्रोथ जो होती है वो ट्रॉपिकल होती है, इसलिए ट्रॉपिकल फ्रूट्स उसमें जैसे मैंगोज हैं, पाइनएप्पल हैं, मुख्तलिफ और फसलें हैं वो सब पाई जाती हैं, और इसी तरह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसमें रबर और फिर टिम्बर, जिससे इमारती लकड़ी हासिल की जाती है, ऐसी लकड़ी हासिल की जाती है जो फर्नीचर इमारत बनाने में काम आती है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। हाईलैंड की अगर बात की जाए तो इथियोपिया, अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, टर्की, इन ममालिक में, सऊदी अरब का बहुत ज्यादा हिस्सा इन ममालिक में हाईलैंड्स पाए जाते हैं, और सबसे जो मोस्ट हाईएस्ट रीजन जो है मुस्लिम कंट्रीज का वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू कश, कोहे पराकरण, हमालिया, ये सारे रीजन पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट हाईलैंड हाईएस्ट एरिया जो है वो पाकिस्तान का ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। रिवर्स और एरिगेशन की अगर बात की जाए तो दुनिया के बड़े बड़े दरिया मुस्लिम कंट्रीज में पाए जाते हैं, जैसे नील है, टाइग्रस है, इंडस रिवर है और यूफ्रेट्स है, ये सारे दरिया मुस्लिम कंट्रीज में पाए जाते हैं जिनके थ्रू एरिगेशन की जाती है, बल्कि और बहुत सारा एरिया जो कि पहले फॉरेस्ट में शामिल था या ग्रासलैंड में शामिल था उनको प्लान करने के बाद फिर इन दरियाओं के जरिए एरिगेशन की जाती है।